आज का हमारा टॉपिक है लेट, एल ई टी, लेट। लेट दिस इज कॉल्ड एज कॉजिटिव वर्ब। लेट का यूज़ मतलब देखिए कैसा होता है, यह इसमें जिस भी सेंटेंस में लेट आता है, लेट सब्जेक्ट को मतलब क्या करता है कि विच अलाउज, विच परमिट टू डू समथिंग, मतलब काम कर, सब्जेक्ट इसमें काम करने क्या देता है, अनुमति देता है। अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है, इसकी जो स्ट्रक्चर होता है अंग्रेजी में, सबसे पहले लेट, ऑब्जेक्ट, और कभी भी लेट के सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे देखते हैं, इसे कहते हैं हम टू परमिट या तो अलाउ, अनुमति देना। अब देखिए लेट के तीनों भी फॉर्म सेम है। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लेट, लेट का मीनिंग होता है हिंदी में करने देना, मतलब मैं आपको अगर एग्जांपल दूँ, वो उसे जाने देता है, ही लेट हिम गो। जिसमें भी जो भी सेंटेंस में लेट आता है तो आप समझ लेना कि सब्जेक्ट उसे करने की अनुमति दे रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लेट, सेकंड फॉर्म लेट, थर्ड फॉर्म लेट और फोर्थ फॉर्म लेटिंग। लेटिंग में बोले तो करने दे रहा है, जाने दे रहा है, खाने दे रहा है और गाने गाना दे रहा है, मतलब लेटिंग। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। इस एग्जांपल में इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको कोई भी सेंटेंस उसका टेंस पहले आपको देखना पड़ेगा। आप देखिए पहला सेंटेंस कैसा है, मैं उसे खेलने देता हूँ, यह टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं सबसे पहले लिखेंगे मैं, आई, उसे, लेट हिम, आई लेट हिम प्ले। तो यहाँ पर लेट के बाद में जो वर्ब आने वाला है सेकेंडरी वर्ब, या सेकेंडरी वर्ब है, दिस इज मेन वर्ब लेट। इसे हम क्या कहते हैं, प्ले को, लेट के बाद जो आने वाला वर्ब है, इसे टू प्ले कभी नहीं लगाते हम। ये टू प्ले बोलने के बाद इसे कहेंगे हम इन्फिनिटिव। यह क्या हो गया हमारा, इन्फिनिटिव। और विदाउट टू कॉल्ड एज बेयर इन्फिनिटिव। विदाउट टू मतलब टू अगर आपने हटा दिया तो लेट के सभी सेंटेंस में हमें टीओ टू का यूज़ नहीं करना है, हमें यूज़ करना है बेयर इन्फिनिटिव का। तो ये आपके ख्याल में आया, मैं, आई लेट हिम प्ले, फर्स्ट फॉर्म। उसे जाने दो, सबसे पहले लेट, ऑब्जेक्टिव केस में ही का हिम आएगा, लेट हिम गो, फर्स्ट फॉर्म। अगर यह सेंटेंस अगर मैं यहाँ पर ये लगाता, आई के जगह पर मैं ये लगाता ही, तो यहाँ पर क्या होगा, ही लेट्स, यस आएगा, क्योंकि ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब को यस लगता है। ये आपके ख्याल में आया। बॉस को सोचने दो, लेट द बॉस, फर्स्ट फॉर्म, लेट द बॉस थिंक, बॉस को सोचने दो, फर्स्ट फॉर्म। मैंने उसे जाने दिया, सब्जेक्ट क्या है, मैं, और टेंस कौन सा है, जाने दिया, करने दिया, खाने दिया, पीने दिया, सोने दिया, अंदर आने दिया, जाने दिया, फिल्म देखने की अनुमति दे दिया, या तो इसमें दिस इज कॉल्ड एस, ये टेंस कौन सा आएगा, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। आई लेट हिम गो। अब लेट यहाँ पर क्या होगा, कौन सा फॉर्म है, आई लेट हिम गो, मैंने उसे जाने दिया,
आई लेट हिम गो मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मेरे पिताजी ने मुझे कार नहीं चलाने दी। अब कार नहीं चलाने दी, सबसे पहले टेंस पहचानते हैं और टेंस है, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें नेगेटिव में क्या आएगा, मेरे पिताजी ने, माय फादर के साथ क्या आएगा, दिस इज द थर्ड पर्सन, इसके साथ आएगा माय फादर चलाने नहीं दी, डिड नॉट, या तो डिंट बोलते इसे हम, इसका डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिंट है, माय फादर डिंट नहीं चलाने दी, डिंट लेट मी, और फर्स्ट फॉर्म ड्राइव, एक हा, मेरे पिताजी ने मुझे कार नहीं चलाने दी, माय फादर डिडंट या डिड नॉट लेट मी ड्राइव कार, या लेट फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर लेट, क्योंकि डिड के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें कंफ्यूज होना नहीं है हमें, लेट के तीनों भी फॉर्म सेम है। अब इसमें मजे की बात यह है कि हम कैसे पहचाने कि हम यहाँ पर लेट का थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, कभी अगर हाउ के साथ अगर आता है लेट, तो कभी भी आपने ख्याल में रखना है तो यह लेट जो होगा दिस इज द थर्ड फॉर्म, हाउ के साथ आता है तो। तो बाकी यह सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में तो बिल्कुल हम यूज़ करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। क्या आप मुझे चैन की सांस लेने देंगे, क्या आप, क्वेश्चन, क्या आप मुझे चैन की सांस लेने देंगे, आप, डू यू, डू आएगा, क्या आएगा, टेंस पहचान ही है, लेने देंगे, दिस इज द फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस, फ्यूचर, तो लेने देंगे हम अभी फिलहाल में बात कर रहे हैं, तो फिलहाल में बात करने के लिए विल का यूज नहीं करेंगे हम, मोस्ट ऑफ द पीपल यूज विल, तो हमें यहां पर यूज करना है वुड, मतलब अभी के लिए बात करना है तो वुड यूज करना है हमें, वुड यू टेक, लेना, लेने के लिए टेक, वुड यू लेट मी टेक ए साय ऑफ रिलीफ, ये हो गया हमारा सेंटेंस, और अंत में क्वेश्चन मार्क, वह मुझे पढ़ने नहीं देता, पढ़ने नहीं देता, दिस इज पढ़ने नहीं देता, ताती ते, दिस इज प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, वह मुझे, वो कौन, ही, नेगेटिव, ही के साथ क्या आएगा, ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ डज आएगा, ही डज नॉट, वो मुझे पढ़ने नहीं देता, ही डज नॉट लेट मी स्टडी, आपको उसे बोलने देना चाहिए, चाहिए के लिए क्या यूज करते हैं हम, शुड, आपको, यू शुड, यहां पे देखिए, यू शुड लेट हिम स्पीक, आपको उसे बोलने देना चाहिए, राहुल उसे अंदर नहीं आने देता, राहुल थर्ड पर्सन है, राहुल, राहुल के साथ क्या आएगा, राहुल डज नॉट लेट, राहुल डज नॉट लेट किसे, उसे, लेट हिम कम इन, राहुल डज नॉट लेट हिम कम इन, उसे अंदर नहीं आने देता, डज नॉट, तो दिस इज प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, आप मुझे सोने नहीं देते, यू के साथ क्या आएगा, डू, यू डू नॉट
मुझे लेट के बाद तुरंत आपको ऑब्जेक्ट लगाना है. यू डू नॉट लेट मी और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो ये आपके ख्याल में आया सेंटेंस, बहुत आसान सेंटेंस है लेट के, लेकिन इसमें भी कभी कभी हम गच्चा खा जाते हैं. मैंने उसे जाने दिया, कैसा कहेंगे आप? मैंने उसे जाने दिया. आई लेट हिम गो. लेट सेकंड फॉर्म. तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपने अंत तक देखी होगी. और अंत में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकॉन एंड लाइक द वीडियो. ऑल्सो पुट योर वैल्यूएबल कमेंट्स. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.